नमस्कार। चीन सीमा पर एलएसी बॉर्डर है, पाकिस्तान सीमा पर एलओसी बॉर्डर है, और एक तीसरा बॉर्डर और है इंटरनेशनल बॉर्डर। ये तीनों बॉर्डर अलग अलग नाम के क्यों हैं? एक ही नाम के बॉर्डर क्यों नहीं है? आप चीन बॉर्डर पे जाओगे तो वहां एलएसी बोला जाएगा, इधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आओगे तो एलओसी बोला जाएगा, और अगर आप अफगानिस्तान नेपाल और उधर की सीमा पर जाओगे तो आपको इंटरनेशनल बॉर्डर बोला जाएगा। तो इन सब में डिफरेंस क्या है, क्या रीजन है इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है? आज इसके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं एलओसी और एलएसी में अंतर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। इस सीमा को सेना की ओर से रेखांकित किया गया है। अब आप यह नोट करने वाली बात है, इस जो एलओसी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा निर्धारित किया गया है। यह अवास्तविक नियंत्रण रेखा है, इसको किसी इंटरनेशनल बॉर्डर के द्वारा मान्यता नहीं है। कोई इंटरनेशनल देश जो दूसरे देश है वो इसको कोई मान्यता नहीं देते। ये दोनों देशों के, पाकिस्तान और भारत की, दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा एक निर्धारित की गई सीमा है, इसलिए इसको एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। भारत में एलओसी की सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये एलओसी की सीमा सिर्फ आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में मिलेगी, न कि आपको अफगानिस्तान नेपाल और अदर देशों के बीच में मिलेगी। सिर्फ एलओसी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में है, और यह विशेषकर जम्मू कश्मीर का जो एरिया आता है ना, वो बॉर्डर है, वो है। इसकी लंबाई है 786 किलोमीटर, 776 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एलओसी दोनों देशों के बीच सैन्य समझौतों के तहत आधिकारिक तौर पर निर्धारित की गई है। और ये कब निर्धारित की गई है? जब 1971 में युद्ध हुआ, उसके बाद जो युद्ध विराम हुआ, इस समझौतों के तहत एलओसी का निर्माण हुआ। एलओसी दोनों देशों के बीच सैन्य समझौता, आपस की जो दोनों देशों की सेना, इन्होंने आपस के समझौते के रूप में जो एक एलओसी का निर्धारण किया गया है, वो एलओसी होती है। ये देख, और ये कब हुई? 1971 के युद्ध के बाद में निर्धारण हुआ। अब आप देखिए एलएसी क्या होती है। एलएसी जो भारत और चीन के बीच में है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको वास्तविक नियंत्रण रेखा भी माना जाता है। यह कब आई? 1993 एक द्विपक्षीय समझौतों के तहत आई। 1993 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, उस समझौते के बीच में एलएसी का निर्माण हुआ, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। सबसे बड़ी नोट करने वाली बात इसमें है, यह एक खाली जमीन है, यह एक खाली जमीन है, और इस खाली जमीन पर न तो चीन का अधिकार है न भारत का अधिकार है। इसको एक एलएसी का नाम दिया है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाकर इसकी निगरानी की जाती है। नोट करने वाली बात है, दोनों देशों के बीच में एलएसी है, उधर भी 100 किलोमीटर दूर चीन की सेना, इधर भी 100 किलोमीटर दूर भारत की सेना है, बीच में सारी जगह खाली है। भारत इधर 100 किलोमीटर दूर से निगरानी करती है, भारत की सेना उधर 100 किलोमीटर दूर चीन की सेना उस सीमा की निगरानी करती है। मतलब पास पास नहीं होते हैं, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस होता है, कम से कम 50 से 100 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस होता है। और अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट, ये गलवान घाटी, डोकलाम विवाद, पेंगोंग झील विवाद, ये सारा सब इसी जो खाली जमीन थी ना, उसी का ऊपर विवाद था। चीन ने थोड़े टाइम पहले जो खाली जमीन थी उसके ऊपर भी उसने कब्जा कर दिया था। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको मान रखा है भारत और चीन ने दोनों, तो चीन की सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर आ गई थी, तो उसी के ऊपर विवाद था और काफी टाइम चला, और अब शायद सोल्व भी हो चुका है। भारत एलएसी को 3478 किलोमीटर लंबी मानता है। अब देखना विवाद कहां है, भारत एलएसी को 3488 किलोमीटर मानता है, लेकिन चीन इसको कहता है कि आर्य सीमा सिर्फ 2000 किलोमीटर ही। अब देखिए विवाद यहां हो रहा है, 1488 किलोमीटर सीमा का विवाद है। अब भारत कह रहा है 3488 है और चीन कह रहा है 2000 किलोमीटर ही है। एलएसी का हिस्सा सिर्फ लद्दाख, एलएसी का जो हिस्सा होता है ना, सिर्फ लद्दाख ही नहीं है, इसमें यहां तक कि आपको अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक भी फैला हुआ है। सिर्फ
लद्दाख अभी जो लेटेस्ट विवाद हुए थे, डोकलाम विवाद, पेंगोंग झील विवाद, ये सब लद्दाख में हुए थे। तो लद्दाख तक ही ये सीमा सीमित नहीं है, कभी कभी चीन अरुणाचल प्रदेश के लिए भी ये विवाद उठाता रहा है, सिक्किम के रूप में भी विवाद उठाता रहा है। ये हो गई एलएसी। अब देखिए तीसरा है इंटरनेशनल बॉर्डर। अब इन दोनों के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, ये देखिए आप, इंटरनेशनल बॉर्डर यह वो लाइन है जिसे सभी देश मान्यता देते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जो भारत, जो विश्व के सभी देश उस बॉर्डर को मान्यता देते हैं कि वाकई में ये बॉर्डर है, तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। किसी दो देश के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, ये जो विश्व के देश हैं उनके द्वारा इसकी मान्यता दी जाती है। जब अगर दो देश मान्यता अगर देवें तो वो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होता है। सारे देश विश्व के जब किसी बॉर्डर को मान्यता देते हैं तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाता है। सबसे बड़ी बात, ये इलाका विवादित नहीं होता है। अब देखिए एलएसी विवादित है, हर बार आपने झड़प सुनी है भारत और चीन के बारे में, एलओसी विवादित है, पाकिस्तान कितनी भी बार शीर्ष बार उल्लंघन करता है और एक दूसरे की सेनाएं कितनी बार बमबारी भी होती है, तो ये दोनों जो एरिया है विवादित है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर विवादित नहीं होते हैं। अब भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस के साथ लग रहा है ये देखिए, भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर 15,106 किलोमीटर है टोटल। टोटल भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर 15,106 किलोमीटर है, इसमें चीन के साथ में 3,488 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ में 3,023 किलोमीटर है, नेपाल के साथ में 1,751 किलोमीटर है और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर है और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर है और म्यांमार के बीच में 1,643 किलोमीटर है और बांग्लादेश से भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर 4,096 किलोमीटर है। तो ये देखिए टोटल भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर इतना है। तो इस वीडियो में आपने समझा कि एलओसी क्या है, एलएसी क्या है और एलओसी और एलएसी के बीच में क्या अंतर है और इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है, ये सब आपने जाना है। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।